हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। माता सरस्वती जी का हम लोग मूर्ति बनाए थे, तो हम लोग यहाँ फ्लोर पे देखते हैं। फ्लोर पे देखो, फ्लोर पे सेफ दिख रहे हैं। मैं बस सेफ को तो ऐसे मैं पे क्या करता हूँ, अपने यूआई मैंने मैनेज किया, मैंने यूआई मैं मैनेज करके देखता हूँ। देखो यूआई में ये मूव अपने साथ है ना, मूवर्स लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने मैनेज किया भाई, मुझे यहाँ पे सेफ चाहिए। और मैं थोड़ा सा ऐसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करके बैलेंस करता हूँ, मुझे यहाँ पे सेफ ऐसा कुछ चाहिए तो मैं सेफ को ऐसे में मैनेज कर दूंगा, तो मेरा अच्छा दिखेगा सेफ्ट एंड स्मूथ। ये प्रॉपर ब्लेंड कर देना आप यहाँ पे, जैसे ब्लेंड करोगे देखो, ब्लेंड करने में चाहिए आपको बेटर देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेफ सुधू, यहाँ पे जितना अच्छा कर्व आपका हो जाए उतना बढ़िया है। कमांड आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, देखो देखना यहाँ पे, आप यहाँ पे कमांड के साथ आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे इमेज है, इमेज में मैं यूज करता हूँ ए सी डी सी में सॉफ्टवेयर है ए सी डी सी, जिसको हम लोग पॉलीगन टॉप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जूम करने में देखो मेरे पास यहाँ पे सेफ कैसा, देखो यहाँ पे सेफ में ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, सेफ को मैंने देखा, अभी सेफ को बगल में देखा तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्क्वायर का एक पार्ट पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। ठीक, ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखा, मैंने भाई ये था, मैंने सेफ यहाँ पे मैनेज कर दिया। फ्लोर ऑफ करके देखो यहाँ पे चाहिए बेटर देखिएगा आप यहाँ। ठीक है, अभी इसी में देखो तो इसमें सेफ कैसा, ये सेफ थोड़ा सा उभरा हुआ है। अभी इसी सेफ को मैं दो तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ऐसा होगा भाई इसी को मैं इसके अंदर लेके जाऊँ तो मैं इसके अंदर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तीसरा पार्ट ऐसा हो सकता है मैं इसका डुप्लीकेट, जैसे मैंने ये केसी का डुप्लीकेट करके कर लूँ, जैसे मान लिया मैं सब टूल पे गए, सब टूल पे गए, मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद मैंने कहा भाई इसको मैं मूव कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ, बाहर लेता हूँ, डुप्लीकेट में ये पीछे रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे गए शिफ्ट प्रेस कर दिया, फ्लोर पे गए इसको मैंने बीच में जाके यहाँ पे स्केल कर दिया। ठीक है, अभी शेप आपके यहाँ पे दिख रहा है, आप शेप आपके यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे मैनेज होगा, देखो देखिएगा। तो फ्लोर पे गए तो मुझे दिख रहा है इस शेप में, बस यहाँ पे दिख गया। मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, एक पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा, एक पैटर्न में बस यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अभी एक दो तीन पैटर्न में ऐसा बना सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया भाई, ये डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद देखो यहाँ पर भी चीजें कैसी हैं, साइड में गई, साइड में आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। देखो ये पार्ट में बस ऐसा है, तो मैंने ये पार्ट बहुत इधर मैंने मैनेज किया, पीछे वाले को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेफ प्रेस करके स्केलिंग, बीच वाले पे स्केल करना। ठीक है, बीच वाले पे स्केल कर देते हैं, देखना यहाँ पे। तो फ्लोर पे गए, फ्लोर पे देखना भाई आपका ब्लू कलर का जो हमने किया, ग्रीन कलर का देखा आपका, ये पैटर्न में बस ऐसा आ जाए। अभी ये चीज को बनाने में हमको टाइम लगता है अलग से, मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट करके ही बना लिया, फोकस करते देखो यहाँ पर। तो अभी ये पैटर्न में बस ऐसा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कलर भी देना थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे गए सिंपल सा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरे को मटेरियल यूज करना है, अभी यहाँ पे मैं जब गया मैं मटेरियल पे ड्रॉ पे गया, यहाँ पे क्या था एम फॉर मटेरियल चैनल, मटेरियल मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसको मैंने कर दिया। वैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज अगर मैं लू यहाँ पे, तो जैसे मैंने एक बेसिक मटेरियल दिया, ठीक है, बेस मटेरियल दिया, मैंने बेस मटेरियल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप बेस मटेरियल दे सकते हो, यहाँ से आपके पास कोई बाई डिफॉल्ट मेटल है तो आप उनको मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे किया सिंपल सपोज, मैंने यहाँ पे एक दिया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं जाके देखो मेरे पास यहाँ पे मटेरियल कैसा कैसा आ रहा है, यहाँ पे देखो रेड है, रेड लिया, रेड को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखना यहाँ पे देखो कई चीज चेंजेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, कई चेंजेस बहुत कम दिख रहे हैं। मैं ग्रीन को लगे यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, हाँ समझ रहा, क्यों, क्योंकि मटेरियल की इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। बेस मटेरियल पे गए ये देखो ये पूरा ग्रीन दिख रहा है, अभी यहाँ पे ग्रीन पे गए यहाँ पे जैसे कलर है फिल ऑब्जेक्ट, यहाँ देख रहे हैं फिल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जाके मैं बताऊँ, फिल ऑब्जेक्ट पे किया मैंने यहाँ पे ये देख रहे हैं। अभी किस पे गए, वापस में गया, यहाँ से मैंने क्या बेसिक मटेरियल ले लिया यहाँ पे, तो बेसिक मटेरियल पे गए, तो बेसिक मटेरियल देखो सब पे चला गया, इस पे रह गया। अभी मुझे चाहिए क्या, इस पे चाहिए, फिल ऑब्जेक्ट पे गए, मैंने कहा भाई मुझे इस पे चाहिए, मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर देता। लेकिन देखो यहाँ पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जब आया, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो देखो सब पे दिख रहा है। अभी यहाँ से जाकर मैंने बेस मटेरियल पे किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे करता हूँ कलर पे आकर फिल ऑब्जेक्ट, फिल ऑब्जेक्ट किया, तो यहाँ पे कलर पे फिल ऑब्जेक्ट कैसा है आरजीबी मटेरियल एंड मर्ज, मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, एंड कलर पे गए फिल ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे हो गया। अब इसको चेंज करो, देखो मर्ज में ये जाके यहाँ पे दो मटेरियल मर्ज हो गया, मटेरियल पे किया तो मटेरियल पे हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा, क्योंकि वो मटेरियल को उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं गया, देखो यहाँ पे मुझे करना है गोल्ड, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया गोल्ड, गोल्ड किया, इस पर गोल्ड करने के बाद अगर मैं जाता हूँ जैसे एम पे है, मैं पास यहाँ मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, कलर पे गए फिल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वापस मैंने यहाँ पे गया बेसिक मटेरियल, देखो अब ये गोल्ड हो गया, पीछे वाला गोल्ड करना वो गोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सेफ्स में यहाँ पे चीजों कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ मैनेज करना तो किया जा सकता है। अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, देखो इसके ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये स्पेयर जैसा पूरा पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इस पर मुझे स्पेयर करना है, मैं स्पेयर कैसे लेके आऊँ, चलो इस पर चलते हैं यहाँ पे।
अभी यहां पे गए ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, देख रहे ऑल्टो लेफ्ट क्लिक से मैं क्लिक कर सकता हूं। अभी ये देखो इसमें स्विफ्ट एफ प्रेस करोगे या यहाँ पे देखो पॉली फ्रेम दिख रहा है भाई, सेगमेंट देखो सेगमेंट कितना जा रहा है। अभी इसमें मुझे क्या करना है, इसका डुप्लीकेट करना है, ध्यान देना है। स्विफ्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, स्विफ्ट और लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे पीछे वाला पार्ट भी मुझे नजर आ है, दो पार्ट है देख रहे हैं, दो पार्ट से मुझे पता चल गया भाई ये एक नहीं दो है। अभी मुझे पता चला भाई दो दो है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो ये अनवॉन्टेड पार्ट है, ये कब आया क्योंकि मैंने आगे मास्क किया तो फिर अंदर वाला पार्ट भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर डबल आ जाए तो हम लोग उसे हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे यहाँ पे, नीचे मिलेगा आपको पॉलीग्रुप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ज्योमेट्री एरे लेयर्स प्रीव्यू सरफेस डिफॉर्मेशन मास्किंग विजिबिलिटी पॉलीग्रुप, पॉलीग्रुप में गए ऑटोग्रुप, ऑटोग्रुप में कलर लगाया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया तो ये पीछे वाला पार्ट चला गया। अभी मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे बस क्या मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ मॉडिफाई टोपोलॉजी और मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने हिडन कर रखा है उसे डिलीट हिडन कर दूँ, तो डिलीट हिडन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक करके देखो वापस नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि भाई कैसे मुझे एक्स्ट्रा मॉडल अगर आ जाए तो मैं कैसे डिलीट कर पाऊँ, गॉट इट। अभी यहाँ से मैंने किया, चलो यहाँ पे मुझे अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने डुप्लीकेट किया कि नहीं किया पहले चीज समझो। ज्योमेट्री पे गए, सब टूल पे गए, देखो ये माउस डुप्लीकेट वाला पार्ट है कि नहीं, ठीक है, वन टू एंड थ्री ये तीसरा पार्ट है। अभी मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट पे गए, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे। डुप्लीकेट करने पे देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक करना है, एक पार्ट में बस यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट में बस यहाँ पे देखना है, पार्ट में बस यहाँ पर। तो मुझे एक ही मॉडल लेके चलना है, एक मॉडल यहाँ चाहिए मुझे, ठीक है, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। अभी इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे जेड रिमेसर चाहिए, शिफ्ट एफ जेड रिमेसर, देखो इस पर करने वाला हूँ। ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे मिलता है कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे ज्योमेट्री एंड देन यहाँ से मैं करता हूँ, देखो एक रिमेसर यहाँ पे है और ज्योमेट्री में गए हम लोग यहाँ पे जेड रिमेसर, ठीक है। अभी जेड रिमेसर में यहाँ पे क्या करना, मुझे सेगमेंट कम करना, क्यों करना वो बताता हूँ। जेड रिमेसर में इसका सेगमेंट कम करना चाहता हूँ क्योंकि जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ ना इसी सेगमेंट के ऊपर आएगा, तो मैंने इसका हाफ कर दिया, हाफ किया और जेड रिमेसर कर दिया मैंने, कम आया, फिर मैंने जेड रिमेसर कर दिया, दो बार जेड रिमेसर कर दिया, फिर तीसरी बार जेड रिमेसर कर दिया। मेन मोटिव क्या है कि इसका सेगमेंट कम होना, अब देखो सेगमेंट इसे बोलते हैं सेगमेंट, ये कम हो गया। अभी ये कम हो गया मतलब अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं बाकी शेप में बस अच्छे आएंगे, बस समझ आ रहा है। तो ये अगर मैं हाफ कम कर देता हूँ, मेरे पास कम चाहिए तो और कम हो गया, तो ये मुझे पहले पता होना चाहिए कि भाई सेगमेंट कम चाहिए, इसमें क्वालिटी कम होगी, इसलिए मैंने डुप्लीकेट किया। अभी देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे अगर मैं देखो मेरे पास जो इमेज है, इस इमेज में मैंने क्या देखा, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक आपका स्पेयर है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने आई प्रेस कर दिया, आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो देख रहे स्पेयर आई एम एम प्रिमेटिव, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहले को ड्रॉ करके देखो सिंपल बॉक्स आ गया, ठीक है। अभी ड्रॉ करने पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो स्पेयर चाहिए, जैसे मैंने ये स्पेयर लिया, सपोज हाफ स्पेयर लिया, देख रहे हैं एक एक अगर आपको डायमंड फिक्स करना तो आप ऐसे भी फिक्स कर सकते हो, मैंने अंडू कर दिया, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, तो ये समझना है। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, भाई यहाँ पे मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज होती है, जैसे मैं किसी भी एक शेप के ऊपर मैं ड्रॉ करूँ तो ड्रॉ कैसे करता हूँ वो आपको टेक्निक बताता हूँ आपको, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या स्ट्रोक पे चलते हैं, स्ट्रोक में जाके हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे होता है कर्व, कर्व मोड ऑन किया। अभी कर्व मोड ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो साइज तो सा जैसे ड्रॉ साइज है ना, मैं ड्रॉ साइज छोटा कर लू, ये देखो आ रहा है। तो अभी आपके पास शेप ऐसा आएगा, जैसे आप देखोगे आपके पास शेप जो नीड होगी उस शेप के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं आपको, जैसा आपको शेप वैसे आपको चीजें देखेंगे। जैसे आपको मैं देख रहा हूँ ये सर्फेस के अकॉर्डिंग, ये देख रहे हैं आप सर्फेस को रीड करोगे, ये अपने यहाँ पे किया तो आप ऐसे भी मैनेज करके दे दोगे, ठीक। यहाँ से आप जो ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ये भी मैनेज कर सकते हो, ये पार्ट आपको ऐसा मैनेज करोगे, स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा लेकिन आप थोड़ा सा चीजों को फुलफिल करोगे तो काम हो जाएगा, बट इट ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ये वाले पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ये मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये समझने के लिए भाई ऐसे भी हम लोग काम करें तो काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बट इट ये समझना आपके पास यहाँ पर, ये तो ठीक है। शिफ्ट एफ प्रेस करो, ठीक है यहाँ पे। अभी देखो मैंने हाफ लिया, मैं हाफ पे काम कर रहा हूँ, अभी मुझे यहाँ पे बड़े बड़े चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया, कंट्रोल जेड, ठीक है।
बताने समझाने टिप्स एंड ट्रिक्स है ताकि आपको यहाँ पे एक आइडिया मिले कैसे कैसे क्या काम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने आई प्रेस कर दिया, मुझे पूरे चाहिए पूरे स्क्रीन जो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने क्लिक किया ये इस पे पूरा आ गया। ठीक है, अब इस पे मैं पूरा लूंगा तो कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, मैनेज किया, मैंने कलर मोड ऑन किया तो मैं कलर मोड के साथ यहाँ पे चीजों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। ये चीजों को मैं ऐसे इस टाइप से मैं मैनेज कर दूंगा सेव कैसे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखो ये जो पूरा पार्ट है आप इसको आराम से मैनुअल आप मैनेज करके दे सकते हो। ठीक, यहाँ पे गए सेव प्रेस कर दिया हमने, यहाँ पे चीजों को मैं मैनेज किया, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे चीजों को ऐसे मैनेज करना है। तो ये काइंड ऑफ ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, उसमें बनाने में टाइम नहीं लगा देगा। आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा सेव प्रेस करोगे मैनेज करोगे तो मैनेज करके दे सकते हो। ओके, अभी मैंने कहा भाई मुझे अगर ऐसे बनाए तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, तो सेव को मुझे यहाँ पे मैनेज करना आना चाहिए। आराम से करना, तसली से करना, क्योंकि एकदम से बहुत बढ़िया नहीं आ रहा होता, कई बार ऐसा होता है। देखो यहाँ पे मुझे सेव चित्र ऐसे सेव में आराम से बना सकता हूँ ना, दिया यहाँ पे ऐसे करके मैं काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास कम सेगमेंट है तो कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये तो मैंने प्रोसेस बताया, इसमें हम लोग ऐसे ड्रॉ करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अभी ये चीज हमने जो ड्रॉ किया, अभी मेरे पास अगर मैं इमेज से देखो, इमेज से तो मैंने मैच नहीं कर रहा है। अगर इमेज से देखो तो इमेज में मैच थोड़े कर रहा है, इमेज में तो कितना है, एक बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 जितने ही है। तो अभी यहाँ पे मैं जब मैं काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे जैसे मैं देख रहा है जैसे मैं साइज में बड़ा करता हूँ, देखिए अभी साइज में बड़ा कर रहा हूँ, ड्रॉ साइज बड़ा किया, कम करते करते कम हो जाएगा, बड़ा करते करते कम हो जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने तो छोटा किया, एक साइज छोटा किया, फिर मैंने इसे क्लिक किया, फिर एक साइज छोटा किया, जैसे ड्रॉ साइज छोटा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फिर देखो तो कम हो गया। ऐसे करके आपको कम ज्यादा करना है भाई। मेरे पास अगर ऐसा सेप है, अगर मैं चीजों का मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे फ्लोर पे गया, मैंने देखा है मेरे पास सेप नजर आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर दिया, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, गॉट इट। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या चाहिए, एक चीज मैंने और एक और छोटा किया, बिग बैक से छोटा करो, देन मैंने क्लिक किया देखा। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा समय मैनेज कर रहा हूँ, एक बार और छोटा करके देखते हैं, फिर मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, एडजस्ट करने पे आप यहाँ देखोगे साइज छोटा, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं करूँ एकदम से सब कुछ हो जाए, तो मुझे तो उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा आप यहाँ पे बड़ा कर रहे, देखो बड़ा करने पर देखा, बड़ा करने पर ये बहुत अपने कंडीशन पे देखा कम ज्यादा यहाँ पे दिखेगा आपका, आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप मैनेज करना चाहो, मैं ऐसे करके मैनेज कर दूँ, देखो यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपको ऐसा नजर आ रहा है, आप ऐसे करके इस टाइप से मैनेज करोगे तो काम हो जाएगा, बढ़िया सा दिखेगा आपको बस यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे एक इस पर और लेना है, इस पर और यहाँ पे डुप्लीकेट करके डालूंगा, इसका डुप्लीकेट करके डालूंगा तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, ये पार्ट यहाँ पे आने का मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी मैंने डुप्लीकेट किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहला काम यहाँ पे गए पॉली सरफेस, ये दिख रहा है, फ्लोर को ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गया जो टूल से मेरे पास यहाँ पे, अभी इनको अलग करना है, अलग कैसे करें, ये देखो इसी में है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास मास्क है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ देखो स्प्लिट है ना, स्प्लिट में देखो अनमास्क, ये मास्क जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये मास्क है। ठीक है, ये अनमास्क है, तो अनमास्क स्प्लिट पॉइंट, देखो ये अनमास्क हो गया और स्प्लिट पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, ऐसे करके आप इसे अलग करके दे सकते हो। दूसरी चीज मैंने डुप्लीकेट किया था, देखो ये मेरे पास पार्ट है, एक ये पार्ट है, तो डुप्लीकेट करने का बेनिफिट ध्यान रखना कि कम सेगमेंट होगा तो आप चीजों को मैनेज कर सकते हो अपने आप। ठीक है, ये मैंने पार्ट यहाँ पे किया, अभी अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने मैनेज कर दिया, ये मैनेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो कभी यहाँ पे सब में डबल डबल दिख रहा है, तो ये चीज आप एक काम तो कर ही लेना, भाई हमने पहले नहीं पता था कि भाई ये डबल आ गया है, लेकिन अब पता चल गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। तो पॉली ग्रुप में गए, ठीक है, अभी चलो एक तरीके मैंने आपको ये बताया, एक तरीका और आपको बता देता हूँ, लेकिन ये कैसा है, एक मेथड है आपके पास यहाँ पे, जैसे मैंने शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैं, ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मुझे चीजों को अगर कट करना पड़े ना यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे देखो क्लिप कर देख रहे हैं आपके, तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से आप चीजों को मैनेज करोगे, देखो ये डिलीट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ से चीजों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, देख रहे हैं आप ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीज रहेंगी क्या।
ओके चलो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया देखो यहाँ पे कैसे कटिंग करके देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक तो ये प्रोसेस ये बता दे भाई, यहाँ पे आप कटिंग करके देखो तो भाई देखो बेसिक इसमें आपका कवर होते जा रहा है, लेकिन देखो ये कैसा, ये आपका या तो प्रॉपर कट हो जाए। प्रॉपर कट होने का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ से कट कर रहे हो तो यहाँ पे चीजें कैसे कट होके आएंगी। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ से जो अपना जो बेस्ट तरीका होता है, एक तो कटिंग का हो गया, दूसरा आपको यहाँ पॉलीग्रिप वो तो ईजी रहता है। ठीक है, तो अगर वहां से अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा है। या अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गया, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट किया यहाँ पे, देखो ये मास्क वाला देखना, मास्क वाला कैसे कटिंग जा रहा है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे काम किया तो अभी आप यहाँ से यहाँ पे गए और देन यहाँ से आप यहाँ तक स्ट्रेट में तो कटिंग में चला गया, जो पीछे वाला था ना वो कटिंग में आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको मैनेज करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। ऐसे भी आप कटिंग कर सकते हो, कल ऐसा ना हो कि हम लोग सर एक ही में कैसे करें, चीजों को मैनेज कैसे करें, तो ये देखना यहाँ पे, तो ये एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कुछ एक दिक्कत आती है, जो पीछे वाला पार्ट है ना जो वो सामने दिख रहा है आपको, तो वो अगर आपको सही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक ये तरीका है। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे पॉलीग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पॉलीग्रुप में करता हूँ, पॉलीग्रुप वाला तो ईजी है, फोटोग्रुप किया मैंने यहाँ पे स्विफ्ट ऐप दिख रहा है पे। अभी यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है मैं ऑटो ग्रुप यहाँ पे किया, ये देखो कंट्रोल एंड शिफ्ट क्लिक किया पे और डिलीट हिडन कर दूं तो वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया मॉडिफाई टोपोलॉजी में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट हिडन, तो डिलीट हिडन कर दिया, ये पार्ट में से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले चीजों को देख लेते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है। ठीक है, मैं अभी चीजों को मैनेज करना है तो पहले यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा यहाँ पे, 1 2 3 ये मैंने पार्ट यहाँ पे किया। अभी तो सेव को तो मॉडिफाई भी करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास कैसा है, अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया इसलिए मैंने ये वाला प्रोसेस बताया। अभी यहाँ पे अगर मेरे को भाई मुझे यहाँ पे टेपर चाहिए, ठीक है, तो अभी टेपर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक को पकड़ लिया ऑल्टो लेफ्ट क्लिक। अभी देखो इसके अंदर भी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इतना ही पार्ट चाहिए मुझे, बाकी पार्ट नहीं चाहिए, तो शिफ्ट एंड क्लिक करते हैं यहाँ पे। मुझे प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट एग्जैक्ट चाहिए, इसलिए किया मास्क। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक्स ऑफ कर देता हूँ, जैसे मैं सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने मास्क यहाँ पे किया। ठीक है, और कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, शिफ्ट एफ देख रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट में यहाँ पे गए। अभी मुझे उधर का डुप्लीकेट में ले लूंगा तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ज्योमेट्री में गए एंड मॉडिफाई टोपोलॉजी में जाते हैं, यहाँ पे डिलीट हिडन है मेरे पास। ठीक है, डिलीट हिडन कर दिया तो चला गया, कंट्रोल शिफ्ट करके आपको क्रॉस चेक कर लेना। अभी ये हमने कर लिया, इसका तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे इसको अलग अलग चाहिए। जैसे मैं देखो एक मैंने प्रोसेस बताया था, मैंने प्रोसेस बताया, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे प्लेसमेंट मैच करना है। अभी यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको ऑटो ग्रुप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डिफॉर्मेशन है और यहाँ पे आपको मिले पॉलीग्रुप, पॉलीग्रुप मैंने ऑटो ग्रुप कर दिया। ठीक है, ऑटो ग्रुप में शिफ्ट एफ प्रेस करो, यहाँ देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये दिख रहा है। अभी इसके साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके साथ में इसको मैं मैनेज करता हूँ, ये मैंने पकड़ा यहाँ पे और स्केलिंग पे गया, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या लोकेशन और स्केल ये इतना है। ठीक है, ऑफ कर दिया फ्लोर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए। अभी ये पहले इससे हट जाना, ड्रॉ से हटना, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए इसको पकड़ो, मूव किया लोकेशन पे गए, यहाँ से लोकेशन देखो यहाँ पे लोकेशन कैसा, ये लोकेशन है यहाँ पे, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको स्केल कर दूंगा। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे बाहर क्लिक करना है देखो आएगा, फिर आपको ड्रॉ पे जाना है, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए मूव पे गए, मूव पे यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करना है। ये आप मैनुअली आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजों को ऐसे बना हो तो ऐसे मैच करने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मैच नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने काम किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये इस पर क्लिक करो तो प्राइवेट चेंज हो जाएगा, तो ड्रॉप जाना, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, इस पे गए, यहाँ पे जाने तो मैं मूव पे गया, मूव पे जाने तो मैंने क्या किया लोकेशन, तो देन आपके पास एक प्रोसेस हो जाएगा भाई, मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट मुझे मैच करना है, मैं कवर करके दे सकता हूँ। धीमे 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 अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे आइडिया मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक दिख रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए मूव पे गए, मूव पे जाने बाद मैंने लोकेशन पे क्लिक किया, देन यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेक श्योर कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक दिख रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे आपको सी दिख रही होगी, अभी पूरा का पूरा बड़ा हो रहा है, कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल यहाँ पे ड्रॉप पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, तो स्केल मैंने किया यहाँ पे। ठीक है,
देख रहे हैं आप, ये पोजीशन आप यहाँ पे मैनेज करके दे सकते हो, भाई मेरे पास पोजीशन ऐसा है, मैं से मैनेज करूँ कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक, तो देखो धीमे 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 आपको चीजें दिखेंगे आपके साथ। अभी यहाँ से ये शेप में बस कैसे, देखो यहाँ पे मैं क्या छोटा बड़ा करो, कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे ड्रॉप जाके करना, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक यहाँ पे क्या ना, फिर मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, स्केल करके दे सकता हूँ, धीमे धीमे छोटा दिखे हो जाए, ठीक है। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक ड्रॉप पे गए, तो ये आपका प्रॉपर प्लेसमेंट आपके यहाँ पे था, कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, इसको मैंने पकड़ा मूव किया, मैं मूव करके सीधे नीचे लेके आ गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे सेफ है, ठीक है, देख रहा है ये मैंने स्केल कर दिया, यहाँ पे कितना आया, कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक दिख रहा है भाई। फिर यहाँ से मैं ड्रॉ पे गया, कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक इस पे गए, मूव पे गए, मूव पे जाने के बाद यहाँ पे लोकेशन पे गए, लोकेशन दिख रहा है भाई, क्योंकि शेप में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं भाई। अभी आप देखोगे तो धीमे धीमे आप देखो यहाँ पे चीजें कैसे कैसे यहाँ पे मैनेज है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करो यहाँ पे, अभी देखो धीमे धीमे दिख रहा है, ये पार्ट आपके यहाँ पे छोटा तो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करने से ड्रॉप जाके करना तो ज्यादा बेटर, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, अभी ये ऊपर वाला छोटा तो ये भी मुझे स्केल करके छोटा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गए ड्रॉप पे गए, कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक, अभी यहाँ तो मुझे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा भाई, ये पार्ट में यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक, मूव पे गए, लोकेशन कंट्रोल शिफ्ट ना लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, देख रहे हैं भाई ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ड्रॉ पे गए, कंट्रोल शिफ्ट में लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, ठीक है, स्केल पे गए, लोकेशन ये आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, वही मैं यहाँ पे ऐसे आया था, कंट्रोल शिफ्ट में लेफ्ट क्लिक, ठीक है भाई। अभी देखो ये कैसे जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट में लेफ्ट क्लिक यहाँ पे कोई अंडू करना, ड्रॉ पे गए, तो आप अगर इसमें मैनेज करने वाले हो तो आप उसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते, ठीक है, मेक श्योर, देख रहे हैं मैं पार्ट चेंज हो जा रहा है, तो मैं पे मेक श्योर ये आपके यहाँ पे दूसरा पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके चलूंगा। ड्रॉ पे गए, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे हल्का हल्का स्केलिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं लिटिल बिट, ठीक है, मैनेज करके देना क्या, देखो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ दिखेगा, तो आप देखो ऐसे करके धीमे धीमे मैनेज कर सकते हो, कहीं कहीं पर आपको लगे भाई कोई बड़ा हो गया है तो आप यहाँ पे गए ड्रॉ पे गए कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये चीजों को थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पार्ट आपको ज्यादा विजुअल नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा एक एक करके मैनेज करके प्लेसमेंट दे सकते हैं आप, ठीक, यहाँ पे गए ये आपको मैनुअली डील करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गए हल्का सा स्केलिंग, देखो आप यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, अभी धीमे धीमे आप देखो तो टेपर टाइप से आपको चीजें नजर आएंगे, यहाँ पर चीजों को मैनेज करोगे मैनेज होता नजर आएगा, अभी एक सेट में मैनेज नहीं, अभी यहाँ पे एक चीज और भी है, जैसे मुझे इसी के अंदर मुझे काम करना है, तो यहाँ पे बस कैसा है कि ये जो पार्ट मैंने किया था, देखिए ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, मैं मास्किंग के साथ भी काम कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे ड्रॉप पे गए, ये देखो अभी मुझे चाहिए इसको मैंने मास्क कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक ध्यान दो शिफ्ट एफ ये मास्क है, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक बाहर क्लिक करो, आप इसके साथ में मूव करना चाहो, ये लोकेशन आपने दिया आपको, ये लोकेशन कैसा है, ये लोकेशन यहाँ पे, तो मैंने इसको मैंने मैनेज कर दिया, ऐसे करके अगर मैं मैनेज करूँ जैसे मुझे लगता है ना मैं साथ साथ करके करूँगा तो ज्यादा बेटर है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने मास्क कर दिया कंट्रोल डिसलेक्ट, ये मास्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ड्रॉप पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक मास्क कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक बाहर क्लिक कर दिया, ये मूव कर दिया मैंने, यहाँ पे लोकेशन पे गए, देन ये चीज मैं ऐसे में मैनेज कर दूंगा। तो अगर मुझे मैनुअल प्लेसमेंट देना पड़े और लग रहा है कि मैं मैनुअल प्लेसमेंट में बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज करके दूंगा। मास्किंग दिख रहा है भाई, मास्किंग क्या मैंने करा, मास्किंग देखो मास्किंग में कैसा है, ये कहीं ना कहीं छूट रहा है, ड्रॉ पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक मास्क कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक एंड मूव, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं लोकेशन पे गए, लोकेशन पे जाके मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे धीमे धीमे आप यहाँ मैनुअल भी आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। अभी जैसे देखो मुझे यहाँ पे एक इस पर और चाहिए, ठीक है, नीचे छोटा और धीमे धीमे बड़ा होते होते आ रहे हैं, अब एक स्पेयर और चाहिए तो आप स्पेयर इसका भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी का मैं डुप्लीकेट कर दूँ, सपोज सब टूल में गए, यहाँ से मैंने क्या किया एक स्पेयर आप अलग से ले लो तो भी काम कर जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, मैं चाहता हूँ इसी के पोजिशन में इसी के उसमें आ जाए, तो मैंने इसका क्या किया डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट हुआ, ठीक है, डुप्लीकेट करना देखो ये आ रहा है आपके यहाँ पे, ये पार्ट में से यहाँ पर आ रहा है, ये देखो ये डुप्लीकेट ये हुआ कि नहीं हुआ, डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो डुप्लीकेट क्लियर ये आपका हुआ, ठीक है, डिसलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, तो ये डिसलेक्ट करने कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक ड्रॉप जाके मैनेज कर जाते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट ने लेफ्ट क्लिक किया गया, इसको मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करोगे तो ही पता चलेगा एक में कहाँ आ गया। मैं देखो डुप्लीकेट क्या कहीं ना कहीं बाई चांस या बाई मिस्टेक अंडू या डिलीट तो नहीं हो गया, देखो आप दिख रहा है। ठीक है, मैं इसका एक और डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट किया मैंने, डुप्लीकेट दिख रहा है ये पार्ट में, बस यहाँ पर आ रहा है। एक को मुझे ऑफ रखना है, ठीक है, एक को रखना है कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट आया। अब इसको मैंने मूव कर दिया, पर मूव करके ले गया लोकेशन में, यहाँ पर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ओके बहुत सा ये लेटर बड़ा कर दिया। अब देखो ये पार्ट मैंने जब मैंने बड़ा किया, जो मैंने मैनेज किया, देन मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं। तो अभी बाकी मुझे नहीं चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए, जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं गया, तो मैं यहाँ पे कैसा ये पार्ट में यहाँ पे देखा है, गॉट इट, यहाँ पे मुझे ये पार्ट ऐसे देखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप पे गया कंट्रोल शिफ्ट में लेफ्ट क्लिक, बाकी डिलीट हिडन कर दिया। तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रोसेस को आप समझोगे, ठीक है, इसमें को हम लोग काम भी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बेसिक प्रोसेस भी हमारा इसमें कवर होते जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गया ज्योमेट्री में गया, मॉडिफाई टोपोलॉजी में डिलीट हिडन होता है, डिलीट हिडन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ने लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे पास सब टूल पे गए, ई पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने ऑन कर दिया, ई पार्ट में यहाँ पर आ रहा है। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, ये मैंने क्या किया, इसका मैंने कहा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट किया, यहाँ पर मिलता है मिरर, डिफॉर्मेशन पे गए एंड मिरर, मिरर एक्सप्रेस सही आ रहा था, ठीक है, देख लेना क्या सब टूल में गए, ये देखो यहाँ पर। अब ऐसे करके आप मैनेज करके दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये पार्ट आपका नजर आ रहा है, देखो पूरा पार्ट आपके यहाँ पर आप चीजों कैसे मैच कर सकते हो, ठीक है। और फिर मुझे लगे जैसे मैंने कहा भाई जो मैंने डुप्लीकेट किया वो हल्का सा मुझे लगता है कि थोड़ा इधर शिफ्ट होना चाहिए, तो हल्का फुल्का इधर उधर मैं मैनेज करके दूंगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन पे जाओ तो आपके चाहिए मैनेज हो जाएंगे आपके यहाँ पे, और आप ऐसे करके चीजों को फुलफिल कर सकते हो। देखो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीज में टाइम लगता है, देख रहे हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे गया ऑल टू लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गया, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अगर यहाँ पे गया मुझे देखो ये पूरा कवर्ड यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, धीमे धीमे चीजों को जितना छोटा करूंगा उतना बैलेंस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ऑल टू लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे ये किया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट है, देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मूव पे गए मैंने एक्स ऑन है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगे, मैं थोड़ा सा इनके साथ में थोड़ा सा मैं कवर करना चाहूँ, तो मैं कवर करके भी बैलेंस करके दे सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने इधर से इधर कवर कर दिया, मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, इसके अंदर मैंने मैनेज कर दिया, ये पार्ट में इसके अंदर देखिए ये कवर मैंने कर दिया। तो कवर देखेगा तो बेटर देखिएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लेकिन देखो ये पार्ट ये मैंने इक्वली, मेरे पास मॉडल वो इक्वल है, लेकिन जो मैंने इसका प्लेसमेंट दिया ना इमेज के अकॉर्डिंग, वो उसका प्लेसमेंट उतना बेटर नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ से ही आ रहा है और यहाँ से ही नहीं आ रहा, जो हमने प्लेसमेंट अभी किया ना यहाँ पे ऑल टू लेफ्ट क्लिक किया, देखना यहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने प्लेसमेंट किया वो उसके साथ ये काम कर रहे थे। अब देखो ये अगर मैं ऑल टू लेफ्ट क्लिक पे गया, ये पार्ट में नहीं, ये पार्ट में यहाँ पे करता हूँ, तो मैं सिर्फ चीजें पहले से किया, ठीक है। तो इसको मुझे अगर यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिकल ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉप पे गया मैंने ऑल टू लेफ्ट क्लिक किया, थोड़ा सा मैनेज करके आप दे सकते हो। तो कहीं आपने कहा थोड़ा सा अपडाउन करोगे ना आप, तो वो आपको कहने की बताएगा ये आपके यहाँ पे चीजें, ठीक है। ये तो होता है मैं ऐसे में मैनेज कर देता हूँ, तो ये चीज तो बस ऐसे मैनेज करो, तो ऐसे मैनेज करो तो बेटर देखिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा टिप्स दिया, बाकी आपको आइडिया मिलेगा।